तुम वहाँ दिखा रहे हो कि मैं उड़ रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ, झूठ मत दिखाओ ना, जाओ ग्राउंड पर दिखाओ, ग्राउंड पर आओ तो जनता के साथ आओ। बेशर्मी, तुम्हारे अंदर इतना गाली खा रहे हो तुम लोग, इतने जूते खा रहे हो, गोदी मीडिया गो बैक का नारा भी खा रहे हो, उसके बाद शर्म नहीं आ रही है तुम्हें तो? तूफान हम तुमके बेशर्मों से हम क्या बात करें यार, लव जिहाद गलत है, नफरत नहीं करते हैं। तो ये जो पलायन हो रहा है ये किस आधार पर हो रहा है? नफरत नहीं इसमें मना कर रहे हैं तो? अच्छा, ये लव जिहाद था? हाँ, जो ऐसा उन्होंने कहा आप मानते हैं था उसमें? क्योंकि इसमें एक अन्य बिरादरी का भी है और एक मुस्लिम भी है, तो इसमें तो था नहीं इस तरह का एंगल, क्यों बना रहे हो? समाज नहीं आक्रोशित है, अंधभक्त आक्रोशित है। अच्छा। हाँ, समाज तो हम पीसफुली समाज बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप लोग की पत्रकारिता जो है ना, ये हमें समझ में नहीं आती, समझ से परे है। अभी आज ही देखा साइक्लोन तूफान आ रहा है, कोई एक चैनल है जिस पर पीछे बैकग्राउंड में ग्राफिक चल रहा है उसका जो है तूफान का, और वो खाली एक लाल छतरी लेके डोंग कर रही हैं, उड़ रही हैं, ऐसा हिल रही हैं, जैसे दिखा रही हैं कि मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ये सब तुम धोखा दे रहे हो हमें, हम जनता को, हम समझ नहीं रहे हैं। तुम बार बार कहते हैं कि हमारी बर्बादी जो है, जो हमारा जो मुद्दा जो है आज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जनता का, वो तुम मीडिया वालों की वजह से ही पड़ा हुआ है। आज तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमें पता ही था सत्ता में जब तक क्या होता है कि अब हम जनता को नहीं लगता कि कहीं इंसाफ बचा हुआ है। और क्लीन चिट मिली है तो खैर, उस पर हम तो उनको पर्सनली जानते नहीं हैं, और हम जनता हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, बस हम इसके पक्षधर हैं। हजार पन्नों की सबमिट हुई है रिपोर्ट, ये भी तो देखो। नहीं तो पारदर्शिता अगर सरकार दिखाए तो हम क्यों आवाज़ उठाएंगे? हम तो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा गारंटी पर बात कर रहे हैं, इस पर आके बात करो आप, फालतू के मुद्दे पर हमें क्या ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, जो बेकसूर है तो मिल गई ना क्लीन चिट। अब तो ये कोर्ट ने अगर मान लीजिए क्लीन चिट दिया है तो सम्मान है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप लोग की पत्रकारिता जो है ना, ये हमें समझ में नहीं आती, समझ से परे है। अभी आज ही देखा साइक्लोन तूफान आ रहा है, और कोई एक चैनल है जिस पर पीछे बैकग्राउंड में ग्राफिक चल रहा है उसका जो है तूफान का, और वो खाली एक लाल छतरी लेके डोंग कर रही हैं, उड़ रही हैं, ऐसा हिल रही हैं, जैसे दिखा रही हैं कि मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ये सब तुम धोखा दे रहे हो हमें, हम जनता को, हम समझ नहीं रहे हैं। तुम बार बार कहते हैं कि हमारी बर्बादी जो है, जो हमारा जो मुद्दा जो है आज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जनता का, वो तुम मीडिया वालों की वजह से ही पड़ा हुआ है। देख कह रहे हैं इसे, तूफान को, छतरी को देख कह रहे हैं? तुम दिखा क्या रहे हो? तुम बेशर्मी वाला सवाल मत करो, ठीक है? बेशर्मी, तुम्हारे अंदर इतना गाली खा रहे हो तुम लोग, इतने जूते खा रहे हो, गोदी मीडिया गो बैक का नारा भी खा रहे हो, उसके बाद शर्म नहीं आ रही है तुम्हें तो? हम तुमके बेशर्मों से हम क्या बात करें यार, तूफान ना दिखा। अरे यार, ग्राफिक के बाद तुम वहाँ दिखा रहे हो कि मैं उड़ रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ, झूठ मत दिखाओ ना, जाओ ग्राउंड पर दिखाओ, ग्राउंड पर आओ तो जनता के साथ आओ, हमारे जनता के बीच में आओ, क्यों नहीं ये बात करते हो? तो ये बातें हैं, बहुत आज हम बहुत दुखी हैं जनता, हम चाहते क्या हैं? हमारे मुद्दों पर बात हो। मुद्दों कौन सा आप लोग उठा रहे हो? हिंदू मुस्लिम। जो लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो तुम लोग हो मीडिया वाले। हम भाई कंफ्यूज हैं, कौन सी मीडिया क्या है, आप जो क्या है ना सवाल कर रहे ना, हा? आप जो कह रहे हो, हाँ, आपकी बात हम ही पहुंचा रहे हैं। हाँ, जो आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो तो नहीं पहुंचा रहे हमें, लेकिन हम तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, हाँ, कि कौन किसके साथ है। हम जनता तो समझ रहे हैं कि मीडिया, हम तो जनता दीपक हैं, और हम समझते हैं मीडिया दीपक के साथ है, और पीछे से जाके हवा से मिल जा रही है, और हमारा ही जनता का दीपक बुझा रही है, तो हम क्या समझे ये हम? लेकिन जिस तरह से मीडिया ने हवा बनाया, आप मीडिया की अगर बात कह रहे हो, आपने देखा हो उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, कि
किस तरह से मुसलमान की दुकानें बंद हो रही है? तो ये बताइए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? और ये जो आप हिंदू मुस्लिम का नरेटिव बना रहे हो, ये हिंदू मुस्लिम का नरेटिव हमारे समाज में नहीं है। कर रही है ना? जो भी कर रहा है, हिंदू संगठन कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये किस रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो समाज में उन्माद फैल रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। तो सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है, ये आप लोग पूछिए ना। हम तो जनता है यार भाई, हम तो माइक लेके किसी नेता के पीछे दौड़ते नहीं है, आप ही लोग तो दौड़ते हो। सवाल मैं धामी साहब, क्या पुष्कर धामी साहब क्या उन्होंने नफरत नहीं करते हैं किसी से, लेकिन लव जिहाद गलत है? लव जिहाद गलत है, नफरत नहीं करते हैं। तो ये जो पलायन हो रहा है, ये किस आधार पर हो रहा है? लव जिहाद नफरत नहीं इसमें, मना कर रहे हैं। तो अच्छा, ये लव जिहाद था? था जो ऐसा उन्होंने कहा, आप मानते हैं था इसमें? नहीं, कोई लव जिहाद नहीं था, क्योंकि इसमें एक एक लड़का अन्य बिरादरी का भी है और एक मुस्लिम भी है, तो इसमें तो था नहीं इस तरह का एंगल, क्यों बना रहे हो? एक समाज जो है आक्रोशित हो गया। समाज नहीं आक्रोशित है, अंधभक्त आक्रोशित है। अच्छा। हाँ, समाज तो हम पीसफुली समाज बनाना चाहते हैं, समाज में हम तो चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनता से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उस पर बात हो। नहीं, मोदी जी तो जनता से जुड़ी बात करते हैं ना। हाँ, मोदी जी सबका साथ सबका विकास। मुस्कुरा रहे मोदी जी का नाम सुन, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी की जो सबका साथ सबका विकास जो आप कह रहे हो वो दिख रहा है, क्योंकि अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था जो उड़ीसा में, तो उसमें जो है ना सबका साथ सबका विकास ही दिखाता, बाबा को पहले पता हो गया। सबका साथ और सबका विकास ही दिखाता उसमें, कि हम जनता के लाशों को ना इस तरह मतलब दुर्दशा कर रहे थे, एक साथ दुर्दशा हुई है, और सबका साथ सबका विकास भी देखा, कि बेरोजगार सिर्फ एक किसी समुदाय के लोग नहीं है, या उसमें हर जाति हर धर्म के लोग बेरोजगार हैं, तो ये सब जाति सबका साथ सबका विकास ही है। लेकिन ये हादसा जो हुआ, मोदी जी तो खुद गए थे ना, ये बाबा बागेश्वर जी को पहले से पता था, कह रहे कि अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला, तो उनसे पूछिए रोके क्यों नहीं, कह रहे रो नहीं, आपने उनसे पूछिए ना, हम थोड़ी मीडिया अलग है। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई अर्जी नहीं लगाया ना, अर्जी लगाते तो बता देते। तो आप क्यों नहीं लगाए, आप मीडिया वाले हैं, समाज को और जनता को जागरूक करना और देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। बाबा जी ने, आपने अर्जी लगाना चाहिए, अर्जी कोई लगाता तो मैं बता। तो आप क्यों नहीं अर्जी लगाए, अर्जी क्यों नहीं लगाए? तो अर्जी हमें तो नहीं पता था ना कि हादसा होने वाला है। अच्छा, हम लगा देते। अच्छा, हम तो भाई कोई ज्योतिष है नहीं, हम तो वो ज्योतिषी वाला बात है, तो जिम्मेदार हुए ना, उनको पता है, फिर भी सरकार को पता। जो जिम्मेदार है उनके पास आप जाइए कैमरा लेके, कलीम तो जिम्मेदार नहीं है, कलीम ने तो ये बात है, कलीम अपनी बात रख रहा है कि हम जनता की दुर्दशा क्यों, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी पे सवाल खड़े कर रहे हो, मोदी जी इतनी गर्मी में भी वहाँ गए, किस पर सवाल कर रहे हैं? मोदी जी पे आप खड़े कर रहे हो, तो मोदी जी हम गर्मी में किस पर हादसे पे आप पे सवाल उठाएं, कि सरकार पर उठाएं, कि युगांडा जाएं, कि रवांडा जाएं, बताइए। मोदी जी गए ना, इतनी गर्मी थी फिर भी गए, 42 डिग्री में गए ना, सही बात है। कलीम भाई, ये देखिए, ये सब आप है ना फालतू के सवाल पूछ रहे हैं, जिसका कोई है ना सर और पैर नहीं है। आप बोले ना, मोदी जी क्या कर गए, तो क्या कर लिए, दुर्दशा हुई हमारे लोगों की। हाँ, 10 लाख रुपया मिला, किसी की जान की कीमत पैसे से लगाई जा सकती है पत्रकार जी, बताइए? क्योंकि अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है ना, और डॉक्टर बताता है 10 लाख तो अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है उसे बचाने के लिए। हाँ, लेकिन आप जिस तरह से नाराज हैं प्रधानमंत्री, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ, कि मैं मेरा सवाल, हम जनता अपना सवाल लेके कहाँ जाएं? नहीं, सुन लो, ज्यादा जिम्मेदार मीडिया है या प्रधानमंत्री है? दोनों है। कैसे है दोनों? मीडिया तो सरकार चला रहा है। मीडिया सरकार चला? हाँ। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है देख रहा हूँ, सरकार रैश कर रही है, घूम रही है। हाँ, सरकार मीडिया चला रही है। हाँ, कैसे बता, देख रहा हूँ। हाँ। कोई भी बात होता है, अरे वो जिम्मेदार नहीं है। अभी तक ट्रेन हादसे का जिम्मेदारी कौन लिया? आप मीडिया वाले पूछे नहीं आपने? जांच चल रही है, पहले तो अरे पहले भी जांच चलती थी, और स्टेप पे पहले हो जाते थे, जांच बैठ जाती थी,
फिर भी इस्तीफे हो जाते थे, अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं आता। तो फिर भी मंत्री तो वही रहेगा ना, बीजेपी का ही रहेगा ना फिर से भी। अरे यार, लेकिन जो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता से कोई जिम्मेदारी तो लेना चाहिए, किसकी गलती से मरे लोग। तो वही आ जाएगा ना, तुम्हारा भी बदल। जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना से अच्छा है उसको सही सुधार कर रहे हैं ना वो तो। अच्छा हा? क्या सुधार कर रहे? अभी लगा रहे हैं। अभी जो एंटी कोलेजेस डिवाइस कहाँ रखे हैं? शुरुआत हो गई है, लग रहे हैं। एक दिन में तो सारे नहीं लग जाएंगे ना भाई साहब। ये सब है ना फालतू के प्रोपोगंडों में हमें मत फंसाओ। और आप सीधा सीधा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, सीधा सीधा जिम्मेदार मैं आपको मानता हूँ। क्योंकि हम ये जनता जानते हैं कि अगर लोकतंत्र हो या हमारा घर हो, अगर एक पिलर धराशायी होगा ना तो पूरा घर धराशायी हो जाएगा। ये आपको बात क्यों नहीं समझ में?